हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 3। और स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखेंगे जितने भी बीते हुए टाइम के पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हम इंग्लिश में किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार उनको बोल सकते हैं। तो बिना टाइम स्पेंड किए लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 3। इट मीन्स दैट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 1 एंड इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 2 हैज़ कम्प्लीटेड। इसका मतलब है वो दो क्लास कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें मैंने करवाया था ता है, ते हैं, ती हैं, क्या वे खेलते हैं, हाँ वे खेलते हैं, क्या वो मूवी देखते हैं, हाँ वो मूवी देखते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो सैर के लिए जाते हैं, क्या वह सैर के लिए जाती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में करवाए थे। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे उन क्लासेस को मिस कर गए थे उनसे रिक्वेस्ट है ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर चैनल पर जाके वो दोनों क्लासेस आप ज़रूर देखें और तभी सिस्टमेटिक तरीके से क्लास 3 का फ़ायदा उठा पाएंगे। और मैंने इसमें बताया भी है, जितने भी मेरे थंबनेल हैं मैंने उसमें बताया है लर्न इंग्लिश जस्ट इन 60 डेज, इट्स माय प्रोमिस। जितने भी बेसिक सेंटेंसेज हैं यू कैन स्पीक ओनली इन 2 मंथ्स, 2 महीने में जितने भी बेसिक सेंटेंसेज हैं वो आप बोल पाएंगे। तो आज की वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 3, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट के टेंसेस, किस प्रकार के सेंटेंसेस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आ, ए, ई, था, थे, थी। जहाँ इस प्रकार की साउंड क्रिएट हो, जहाँ आ, ए, ई, था, थे, थी, स्टूडेंट्स ऐसी साउंड जहाँ क्रिएट हो वहाँ हमने ये फार्मूला लगा देना है। इसका मतलब जैसे क्या उसने खाना खाया, क्या वह स्कूल गई थी, आ, ए, ई, था, थे की साउंड कहीं आती है। और ये साउंड कहाँ आती है, पास्ट टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनेट में आती है। तो जहाँ ये साउंड आए उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार आसानी से, किस प्रकार सिर्फ एक ही सेंटेंस सीखने के बाद किस प्रकार उनको हम बोल सकते हैं, तो इस वीडियो में भी ये सीखेंगे। और दोबारा कह रहा हूँ वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर देखें, क्योंकि तीनों वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्शन लिखे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक कम काम करते सोने तक कभी भी जो काम करते हैं, जहाँ साउंड आ, ए, ई, था, थे, थी निकले तो किस प्रकार बोलेंगे। जैसे गेट अप अर्ली, ठीक है, क्या वह सुबह जल्दी उठी, क्या वह सुबह जल्दी उठा, क्या वे सुबह जल्दी उठे थे, आ, ए, ई, था, थे, थी, ता है, ते हैं, ती है, ये साउंड नहीं, इसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। लेकिन आज था, थे, थी, आ, ए, ई जो साउंड है, क्या उसने ऐसा किया था, क्या वो मार्केट गया था, क्या उसने इंग्लिश बोली थी, क्या उसने लड़ाई की थी, क्या उसने कार खरीदी थी, इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने यूज करना है डिड। सबसे पहले हमने डिड का यूज करना है, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमने एक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो सब मान लिया हम सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या राधा सुबह जल्दी उठी थी, ठीक है, हम पूछ रहे हैं किसी से क्या राधा सुबह जल्दी उठी थी, आ, ए, ई, था, थे, थी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड, कौन है भाई सब्जेक्ट, कौन है, राधा, ठीक है। और एक्शन क्या है, एक्शन क्या है स्टूडेंट्स, गेट अप अर्ली। कोई वर्ब का चक्कर नहीं है, जो भी काम है वो एक्शन है, फिर आपने एक्शन लिख देना है। डिड राधा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है क्या राधा सुबह जल्दी उठी थी, क्या राधा सैर के लिए गई थी, आसान है। डिड राधा गो टू वॉक, क्या राधा ने स्नान किया था, क्या कल राधा ने स्नान किया था। डिड राधा टेक बाथ, कब, यस्टरडे। कुछ और भी ऐड कर सकते हैं हम, टुडे,
yesterday. Did Radha get up early? Did Radha go to walk? Did Radha take bath? क्या राधा ने ब्रेकफास्ट किया था? मान लिया इल थी, बीमार थी, कुछ भी, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया था? Did Radha, एक्शन क्या है? टेक ब्रेकफास्ट. क्या वो स्कूल गई थी? Did Radha go to school? अब तो हमने राधा की बात की है, राम है तो बीच में राम लिखो. यदि हम बात कर रहे हैं दे, अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनके बारे में हम पूछना चाहते हैं, क्या वो, क्या उन्होंने सोल सम किए थे? तो डिड दे सोल द सम. क्या उन्होंने लेसन लर्न किया था? डिड दे लर्न द लेसन. इसमें एस ई एस का कोई फंडा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपने शुरू में डिड लिखना है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वही यूज करना है. क्या उन्होंने टीचर्स को विश किया था? डिड दे विश द टीचर्स. क्या उन्होंने उसे गाली दी? डिड दे अब्यूज हिम. डिड दे अब्यूज हिम, लड़की है तो डिड दे अब्यूज हर. क्या उन्होंने कार खरीदी थी? डिड दे बाय ए कार. पेन खरीदा था? डिड दे बाय ए पेन. और कोई भी चीज आप कहना चाहते हो वो लिख सकते हो. क्या उन्होंने इंग्लिश बोली? कहीं स्टेज पे उन्होंने कोई लेक्चर देना था, स्टेज के ऊपर कोई लेक्चर देना था और हम पूछना चाहते हैं क्या उन्होंने इंग्लिश में बात की थी, तो डिड दे स्पीक इन इंग्लिश, डिड दे स्पीक इन हिंदी, डिड दे गो टू मार्केट. हम पूछते हैं किसी के बारे में क्या वो मार्केट गया था, क्या वो मार्केट गई थी, तो डिड सी गो टू मार्केट, डिड सी गो टू दिल्ली, किसी भी प्लेस पे. क्या उसने मूवी देखी? मार्केट में तो गई थी, क्या मूवी देखी थी? डिड सी वॉच मूवी, डिड सी वॉच टीवी. डेकोरेट द रूम, डिड सी डेकोरेट द रूम, डिड दे डेकोरेट द रूम. तो आसान है ये. ये वो सारे सेंटेंसेज हैं जो पास्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं. क्या उसने ऐसा किया था? क्या उसने डिनर किया था? डिड ही टेक डिनर. क्या उन्होंने डिनर किया था? डिड दे टेक डिनर. क्या वो सैर के लिए गए थे? डिड दे गो टू वॉक. क्या उन्होंने मुंह धोया था? डिड दे स्प्लैश माउथ. तो इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं. टेक डिनर, गो टू प्ले. क्या वो खेलने गए थे? डिड दे गो टू प्ले. क्या उन्होंने पिक्चर को पेंट किया था? डिड दे पेंट द पिक्चर. क्या उसने पिक्चर को पेंट किया था? डिड सी पेंट द पिक्चर. इस प्रकार के सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आसानी से बोल सकते हैं. ये मैंने सारे अभी क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, सारे क्वेश्चन क्रिएट किए हैं. जैसे और भी हम लिख सकते हैं, क्या वो स्कूल गई थी, ये लिख सकते हैं. क्या वे स्कूल गए थे? तो डिड दे, वे की बात है, दे लेके आए. डिड दे कहाँ? गो टू स्कूल. डिड दे गो टू स्कूल. इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं. क्या उन्होंने क्लास अटेंड की थी? तो हम लिख सकते हैं राम ने क्या क्लास अटेंड की थी? डिड राम, एक्शन क्या है? अटेंड द क्लास. डिड राम अटेंड द क्लास. और स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस भी अब आसानी से बन जाएगा. कैसे? मान लो हमने पूछा डिड दे गो टू स्कूल, हमने पूछा भाई क्या वो स्कूल गए थे, तो नहीं गए तो वो सबसे पहले क्या कहेंगे? नो. किसके बारे में पूछ रहे हैं? दे के बारे में पूछ रहे हैं. नो दे. अब वीडियो फर्स्ट और सेकंड में मैंने बताया था डू डज है, डू में पूछा गया है तो डू नॉट रखते हैं, डज में पूछा गया है तो डज नॉट रखते हैं. अब डिड में पूछा गया तो स्टूडेंट्स क्या रखेंगे? डिड नॉट. डिड दे, नो दे डिड नॉट, एक्शन क्या है? गो टू स्कूल. नो दे डिड नॉट गो टू स्कूल. आसान है स्टूडेंट्स. यदि क्वेश्चन डू में पूछा जाए तो डू नॉट, यदि डज में पूछा जाए तो डज नॉट. आज किस में पूछा गया है? डिड नॉट में पूछा गया, तो क्या रखेंगे? डिड नॉट. नो दे डिड नॉट गो टू स्कूल. क्या वो सुबह जल्दी उठे थे? नो दे डिड नॉट गेट अप अर्ली. क्या वो सैर के लिए गए थे? नो दे डिड नॉट गो टू वॉक. क्या उन्होंने गाली दी थी? नो दे डिड नॉट अब्यूज. क्या उन्होंने कार खरीदी थी? नो दे डिड नॉट बाई ए कार. नो दे डिड नॉट बाई ए पेन. नो दे डिड नॉट बाई ए बुक. इस प्रकार नो दे डिड नॉट बाई ए फोन. क्या उन्होंने इंग्लिश बोली थी? नो दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. नो दे डिड नॉट स्पीक हिंदी बट दे स्पीक संस्कृत. गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट गए थे? नो दे डिड नॉट गो टू मार्केट. दिल्ली गए थे? नो दे डिड नॉट गो टू दिल्ली. क्या उन्होंने टीवी देखा था? नो दे डिड नॉट वॉच टीवी. इस प्रकार सेंटेंसेस आसान है,
यहाँ नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। डू में क्वेश्चन किया गया है तो डू नॉट का, डज में क्वेश्चन किया गया है तो डज नॉट का। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। मान लिया, क्या उन्होंने पिक्चर को पेंट किया, क्या उन्होंने पिक्चर को पेंट किया, क्या राधा ने पिक्चर को पेंट किया। डिड किसकी बात है, राधा की। एक्शन क्या है, पेंट द पिक्चर, पेंट द पिक्चर। क्या राधा ने पिक्चर को पेंट किया, तो आंसर है, यदि हम नो में आंसर देना चाहते हैं, नो सी या राधा। अब डिड में पूछा गया तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, सी डिड नॉट, क्या नहीं किया, एक्शन रख दो अब, सी डिड नॉट पेंट द पिक्चर, सी डिड नॉट पेंट द पिक्चर। क्या राधा ने मूवी देखी, तो क्या लिखेंगे, डिड राधा, एक्शन क्या है, वॉच ए मूवी, डिड राधा वॉच ए मूवी। और हमने मना करना है या नहीं भी उसने ऐसा नहीं किया, तो नो राधा, या सी भी लिख सकते हो राधा। अब डिड में पूछा गया तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, डिड नॉट। आगे एक्शन क्या है स्टूडेंट्स, वॉच ए मूवी। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। किस प्रकार क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट ए क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी गिव द आंसर, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अभी हमने नेगेटिव बनाया है, यदि हमने कहना पड़े कि हाँ उसने ऐसा किया तब क्या करेंगे, यस, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस। देखते हैं सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है, डिड राधा पेंट द पिक्चर, नो में उसने उत्तर दिया, नो सी डिड नॉट पेंट द पिक्चर। मान लिया यस में कहे वो, यस यस सी, हाँ उसने ऐसा किया, यस सी। तो स्टूडेंट्स जहां डिड है, डिड में क्वेश्चन किया जाए, ध्यान से सुनो, डिड में क्वेश्चन किया जाए और उसका हमने आंसर देना है, तो डिड को भगा देते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है ये, डिड भाग जाता है। कब, जब हाँ में आंसर देना है, हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है, तब जब हाँ में उत्तर दिया जाए, तब, और डिड में किसी ने पूछा, भगाओ डिड को, तो कैसे, और भी आसान हो जाएगा, यस सी, अब हमने ये दोनों भगा देने हैं, यस सी, हाँ उसने ऐसा किया है, तो हम क्या लेके आएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो हम एक्शन लेके आएंगे, ठीक है, एक्शन को हम लेकर आएंगे, और एक्शन में हमने एक थोड़ा सा चेंज कर देना है, जो फर्स्ट वर्ड है उसको सेकंड फॉर्म बना देनी है बस। डिड सी पेंटेड द पिक्चर, और आंसर यस, यस सी पेंटेड द पिक्चर, यस सी पेंटेड द पिक्चर। दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, यदि हाँ में आंसर देना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यस, सब्जेक्ट कौन है, सी है, ही है, दे है, यू, वी कौन है, वो लिख देंगे हम, ठीक है। फिर एक्शन को लेकर आएंगे, और एक्शन में एक छोटा सा चेंज कर देना हमने, जो फर्स्ट वर्ड है जिसको हम वर्ब कहते हैं उसको सेकंड बना देना हमने, ठीक है। ये इसमें एक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। एक दो सेंटेंसेज हम और सोल्व करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, और बार बार इन सेंटेंसेस को बोलना है, क्योंकि आई टेल यू इन एवरी वीडियो दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, वॉकिंग कम्स बाय वॉकिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कोई मंत्र पढ़ेगा एंड यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इट कांट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, आपको मेहनत करनी होगी। बार बार बोलो, अब आराम से बोलोगे फिर। Just give 15 minutes to this video. Just 15 minutes. तो अब मैं आपको बता रहा हूं, How can we give answer in yes? Did सब आप किसी ने पूछा, Did she solve the sum? Did she solve the sum? Did she solve the sum? ये हमने लिख दिया, क्या उसने सम को सोल्व किया, और आंसर है यस, हाँ उसने किया, यस सी, एक्शन लेके आएंगे हम, यस सी सोल द
सम, यस ही सोल्ड द सम, और सोलो का स्टूडेंट सम क्या करेंगे, सोल्ड। एक छोटा सा चेंज करना है हमने, और वो चेंज किस में करना है, जो एक्शन उठा कर लेके आते हैं हम उसमें एक छोटा सा चेंज कर देना है, जो फर्स्ट वर्ड है जिसको हम वर्ब कहते हैं उसको सेकंड कर देना है। और यस जब हम कहते हैं तब डिड को नहीं लेकर आते, डिड को सिर्फ इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में लेकर आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। हम अब बार दोबारा ये बार बार से बोल रहे हैं, आपसे कोई पूछे डिड सी गेट अप अर्ली, और आपने कहना यस, तो आपने बोलना है यस सी गोट अप अर्ली, आपने गेट का क्या बना देना है, गोट। डिड सी गो टू वॉक, यस सी वेंट टू वॉक, ये आपने उठा के लेकर आना है और उसमें छोटा सा चेंज कर देना है, गो को क्या कर दोगे वेंट। डिड सी टेक बाथ, यस सी टुक बाथ, जब हम इंटर सिंपल सेंटेंस बना रहे तो। डिड सी टेक ब्रेकफास्ट, यस सी टुक ब्रेकफास्ट। Did she go to school? Yes, she went to school. Did she wish the teachers? Yes, she wished the teachers. Did she attend the class? Yes, she attended the class. Did she learn the lesson? Yes, she learned the lesson. She की जगह he भी हो सकता है, they भी हो सकता है, हम इसमें दें। Did they abuse her? Yes, they abused her. जब yes की हम बात करते हैं, जब हाँ में बात करते हैं, did they buy a pen? Yes, they bought a pen. Did they buy a car? Yes, they bought a car. Did they buy a cell phone? Yes, they bought a cell phone. क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स, एक्शन लेकर आएंगे हम सबसे पहले यस, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद एक्शन लेके आते हैं, और एक्शन में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम सेकेंड बना देते हैं। और आपको पता है 97% जो वर्ब्स हैं उनको ईडी यूज किया जाता है, एक वीडियो आप देख सकते हो जो वर्ब से रिलेटेड है मेरी, उसमें मैंने बताया है 97 जो वर्ब्स हैं उनको सिर्फ ईडी का यूज किया जाता है, तो आसान है। नेक्स्ट है, डिड दे स्पीक इंग्लिश, यस दे स्पोक इंग्लिश। डिड सी स्पीक इंग्लिश, यस सी स्पोक इंग्लिश। नेक्स्ट है, डिड सी गो टू मार्केट, यस सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू दिल्ली, किसी भी प्लेस पे। Did she watch movie? Yes, she watched movie, she watched TV, ठीक है, she watched Ramayana, she watched कुछ भी, जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं you can use। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, एक दो सेंटेंसेज मैं आपको यहाँ राइट कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप समझें। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ किस प्रकार हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, दोबारा फिर बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ठीक है, नो में आंसर कैसे देंगे और यस में आंसर कैसे देंगे, ठीक है। तो क्या उसने रूम को डेकोरेट किया, क्या उन्होंने रूम को डेकोरेट किया था, क्या उन्होंने रूम को डेकोरेट किया था, डिड दे, काम क्या किया था भाई, एक्शन क्या है, डेकोरेट द रूम, डेकोरेट द रूम, ये हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, मना कर रहे हैं ना उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो लिखो भाई नो, कितने बंदे हैं, ज्यादा हैं, दे डिड नॉट, ठीक है। और जब डिड आए स्टूडेंट्स नेगेटिव में ले गया ना होता, फिर कोई चेंज नहीं करना होता, सारा एक्शन हमने जो है सेम रख देना है। दे डिड नॉट डेकोरेट द रूम, चेंज कब करना, जब यस हमने करना है तो यस दे, उन्होंने ऐसा किया, एक्शन उठा के ले गया हो, यस दे डेकोरेट द रूम, ये एक्शन हम स्टूडेंट्स उठा के ले गए, तो हमने डेकोरेट का क्या कर देना है, डेकोरेटेड कर देना है। एक छोटा सा चेंज करना होता है हमने किस में, एक्शन जब उठा के लेके आते हैं तब वर्ब में, और वो भी कब, जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना हो, हाँ भरनी हो, यस करना हो किसी चीज़ का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही है, जो हमने पास्ट से रिलेटेड, क्या उसने ऐसा किया था, उसने खाना खाया था, उसने ये किया था, वो किया था, इस प्रकार के सेंटेंसेज, क्या वो मार्केट गए थे, क्या उसने फिल्म देखी थी, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेज यू कैन स्पीक वेरी इजीली, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो स्टूडेंट्स करनी होगी, क्योंकि बार बार हर बार मैं कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और आप भी परफेक्ट हो जाओगे, आप भी इन बेसिक सेंटेंसेस को आराम से बोलोगे जस्ट इन 60 डेज, इज माय प्रोमिस 60 डेज में। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कॉमेंट करते रहिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए एक जो सब्सक्राइब है लाइक है वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 4th कल लेकर आऊँगा, तब तक घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, गुड बाय।